What's up guys, this is me STV Nikhil back again with another vlog. तो भाई आज का vlog यहाँ पे देख लो, अपनी bike यहाँ पे खड़ी है और कुछ इस तरीके की location से शुरू हो रहा है। तो अब सीधे मिलेंगे तुम्हें मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। ऐसे ही आए था अखनूर, थोड़ा काम था और सोचा व्लॉग बना लें अब। ओके, मिलते हैं आपको सीधे मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। लेट्स गो गाइस। आई डोंट नो कि अभी एंगल वगैरह कैसा आ रहा है। अगर भाई GoPro होता तो एंगल की तो दिक्कत ही नहीं होती। आई एम जस्ट होपिंग कि बेस्ट से बेस्ट एंगल दे पाऊंगा आपसे। थोड़ी सी पुश करते हैं भाई लोग। अपने रोड पे हो जाओ। अरे भाई 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 भाई, भाई। क्या ही दिक्कत है यहाँ पर। अरे मेरे को हेलमेट का स्क्रैप बंद करना याद हो गया भाई। आज पता नहीं क्यों इतनी विंड, मतलब विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा आज। बाकी का सब ठीक है। चाचा देख रहा बिना हैंडल पकड़े कहाँ चल रहा है ये। चाचा बिन लाइक, अरे ये क्या हो गया। बाकी यार बहुत दिनों से मोटो व्लॉग नहीं किया था, सोचा आज कर ले। अभी आगे जाके एक क्लिप चेक कर लूँगा कैसी बन रही है। लेट्स गो, मजा आ रहा है भाई लोग। लीन 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 लीन। लेट्स गो। कसम से भाई लीन मारने में बहुत मजा आता है भाई। ये गंदा है, ये गंदा है, बट डोंट पुश योर लिमिट्स। हाँ आजा आजा आजा, मेरी साइड आजा। बच्चों 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 साइड हो जाओ भाई, आ रहा है। बहुत दिनों बाद मैं बाइक पे आया हूँ। And I'm feeling good, man. Laptop, bad boy. Boom, boom. No more. No chance. अभी निकाल लूँगा मैं। चां 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 कैमरा लगा है तो ऐसी जगह से डीजे निकलना पड़ता है, बिकॉज फिर ज़्यादा वीडियो शेयर करेगी और मेरा सेटअप भी बिगड़ जाए। दर्द यही रहता है। बहुत रिस्क लेते हैं भाई तुम्हारे लिए, तुम मानो या ना मानो। एंड लेट्स गो, व्हाट अ स्ट्रेट पैच गाइस। आई डोंट नो व्हाई आई एम टू एक्साइटेड। अरे भैया चल ले, इतना क्या सदा बचाएगा। इतनी बड़ी गाड़ी तेरी फटा जा रहा है वहां। बाकी मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो। ओ ओ, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, हो गया था अभी कहा। क्या बोल रहा था मैं, एक चीज ध्यान रखना, राइट लीन कभी भी मत करना भाई। राइट पे अगर तुम प्रोफेशनल नहीं हो ना, मैं आज जो राइट लीन मारा था ना, राइट लीन मैंने देखा था, मुश्किल नहीं होता।
So I'm talking about right lean. तो मैं तुम्हें बता रहा राइट लीन इजी नहीं होता है, बहुत टफ होता है, बिकॉज लेफ्ट में जब तुम लीन करते हो ना, तब ये होता है कि तुम्हारा एक्सेलरेशन तो तुम राइट से कर रहे होते हो, और जब राइट पे लीन करोगे तो राइट साइड बेंड होगी, मतलब उस साइड तुम्हें अपना वेट शिफ्ट करना पड़ता है ना जिस साइड लीन कर रहे हो। लेफ्ट पे इजी इसलिए होता है क्योंकि लेफ्ट साइड पे एक्सेलरेशन नहीं होती, तो हम एक्सेलरेट भी प्रॉपर कर सकते हैं, पर जब राइट पे हम वेट भी शिफ्ट करते हैं, लीन भी कर रहे होते हैं, फिर एक्सेलरेट नहीं होता प्रॉपर। एक्सेलरेट नहीं होने से मतलब स्पीड हम रेस प्रॉपर नहीं जब दे पाते हैं, तो फिर वो डिसबैलेंस वगैरह हो जाती है। रेसलर, ओके बॉस पता लग गया, अचानक बता रहा है बंदा अपनी, कोई ना भाई। मतलब आपको वेट पूरा इस साइड शिफ्ट करना होता है राइट साइड, और फिर प्रॉपर एक्सेलरेशन नहीं होती है, तो फिर राइट लीन इतना इजी कहाँ से होगा। लेफ्ट का यही होता है, लेफ्ट में वेट भी शिफ्ट कर सकते हो, एक्सेलरेशन प्रॉपर कर सकते हो आप राइट से। जैसे ये छोटे मोटे लीन आते हैं, मैं माँ कसम मेरी बाइक पे मैं जो लीन मारता हूँ ना, ए बॉस ओपी यार, मजा आ गया। ए भाई देखा, दैट्स व्हाई इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स गाइस। इंडिया में कोई भी कहीं से भी आ सकता है, तो ओवर स्पीडिंग तो करनी नहीं है, मोड़ों में तो इजी चलो, मैं सही चल रहूँगा। ये देखो आगे ऐसे बंदा आ रहा था, तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो आप थोड़ा सेफ चल सकते हैं, बाकी नहीं है प्यारी तो चलो रैश, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी भाई एक ज़िंदगी है, मेरे को जीनी है, ऐश करनी है बस, इसलिए मैं ज़्यादा पुश भी नहीं करता, मज़े के लिए पुश करता हूँ सीधे रोड में।